बड़ी खबर है हरिद्वार के नवोदय नगर से। पर्वतीय बंधु समाज पुरुष और महिलाओं के द्वारा होली गायन का अद्भुत कला प्रदर्शन किया गया, जिसे देखकर दंग रह गए लोग। आंवला एकादशी पर शिव शक्ति धाम गली नंबर 5 भगवान शिव के मंदिर में होली गायन और नृत्य कर धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर एक नया संदेश दिया। महिलाओं ने इस कार्यक्रम में विभिन्न तरह के रंगों की साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए चौंकाने वाली साबित हुई, जिससे यह महसूस हुआ कि यह एकदम सत्य है कि गांव में शहरों की अपेक्षा भारतीय संस्कृति का समावेश आज भी जिंदा है, जिसे आज शहरी लोग अनदेखा कर रहे हैं और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पर्वतीय बंधु समाज एक ऐसा समाज है जो कि भारतीय संस्कृति सभ्यता मर्यादा को सजीव रखने हेतु पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में अध्यक्ष मान सिंह रावत, सचिव बलवंत सिंह रावत, तेज सिंह, मणिराम, जितेंद्र रावत, देवेंद्र कंडारी, केवल सिंह, वेद प्रकाश, बच्ची सिंह, कुंदन आदि लोग शामिल रहे। मंदिर से और महिलाओं की यहाँ आंवला की एकादशी के दिन से होली शुरू हो जाती है। इस दिन बड़े शुभ मुहूर्त में रंग डाला जाता है, अबीर गुलाल का महत्व है। 5 दिन लगातार होलियाँ होती हैं और जिस दिन पानी वाली होली होगी उस दिन भी सभी लोग एकत्रित होंगे। ये हम सभी लोग एकत्रित होकर आज पर्वती बंधु समाज के लोग भी हैं और सारी हमारी महिला शक्ति भी हैं और बहुत अच्छी तरह हमने हर्षोल्लास के साथ इस होली के जश्न को एकादशी के दिन मनाया है। कल से लगातार फिर 4 दिन तक होलियां यही मंदिर में होंगी। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।